नमस्कार, आज का टॉपिक है इंजन लुब्रिकेशन। इंजन लुब्रिकेशन के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और कृपया, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप पहले से देख सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आइए, स्वागत है आपका इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में, जहाँ पर टॉपिक रहेगा इंजन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन तो आप समझ गए, ऑयल इंजन में तेल डाला जाता है, इंजन ऑयल जिसे कहते हैं, टूटी ऑयल या फोर्टी ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। और उसका एक लिमिट रहती है कि यदि गाड़ी इतने किलोमीटर चल गई या इतने हजार किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो जो इंजन के अंदर जो तेल होता है, जिसे आप इंजन ऑयल कहते हैं, उसको उस निर्धारित समय के बाद चेंज करना होता है। और देखा गया कि कभी कभार जो इंजन ऑयल रहता है उसका कलर कहीं हरा होता है या फिर रेड कलर का होता है, और जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3 साल, 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, जितना उसका ड्यूरेशन रहता है, तो फिर उसका इंजन ऑयल का कलर चेंज हो जाता है। जो रेड कलर का इंजन ऑयल था वो अब ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, जो ग्रीन था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि ब्लैक कैसे होगा, जो इंजन के जो पार्ट हैं वो घिसे, घिसने के कारण उसका जो गियर के जो घिसने पर जो धातु है वो उसमें मिक्स हो गई घर्षण के कारण। और इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर जो उसमें जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है इंजन में, उसको रिमूव करने के लिए इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पूरी मैकेनिक जो है इंजन के अंदर है, आपके कनेक्टिंग रॉड भी है, पिस्टन भी है, गियर है। जैसे आप ये देखेंगे, एक आपकी रॉड आ गई, ये होगी कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे से इस शाफ्ट से जुड़ी हुई है, और ये आपका इंजन है, इंजन से यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड जुड़ी है, और ये होगी आपकी शाफ्ट। अब इसमें शाफ्ट में डिपेंड करता है कि 2 सिलेंडर जुड़े हैं या 3 जुड़े हैं, तो इसके अंदर जो मैकेनिज है, इस सभी मैकेनिज को इस तेल की एक लिमिट, जो निर्धारित सीमा है, उतनी टाइम टू टाइम वहाँ पर भेजने का कार्य होता है लुब्रिकेशन। तो इंजन स्नेहन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम इंजन के बीच अंगों का जो घर्षण है, जो इंजन के जो अंग हैं जिनमें आपस में रगड़ हो रही है, घर्षण हो रही है, उस घर्षण को कम करने का कार्य करता है इंजन ऑयल। घर्षण कम करने के लिए हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन या इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हो सकता है आपका टूटी ऑयल, फोर्टी ऑयल, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियों के भी इंजन ऑयल आते हैं। तो इंजन ऑयल का जो उद्देश्य क्या होता है, इंजन ऑयल के निम्न उद्देश्य होते हैं। नंबर पहला, धातु तथा धातु के बीच संपर्क को कम करना, मतलब उसमें जो मशीन पार्ट जो हैं दोनों, उनके बीच का जो संपर्क है, जो घर्षण हो रहा है, उसको कम करना। जो संपर्क है, बीच में तेल की एक लेयर आ गई, इंजन ऑयल की एक लेयर आई, जिससे क्या होगा, उनके बीच का जो घर्षण है वो कम हो गया। टूट फूट कम करना, जब दो मशीन पार्ट आपस में रगड़ेंगे नहीं तो उसमें बियर एंड टीयर के चांसेस ही नहीं है, तो इंजन ऑयल टूट फूट को कम करता है। इंजन पार्ट के शीतलन के लिए, कूलिंग का काम भी करता है इंजन ऑयल, जिससे क्या होगा कि इंजन हमारा ओवर हीट ना हो पाए, इसलिए वो कूलिंग का काम भी इंजन ऑयल करता है। क्षरण से रोकने के लिए, जो उसका जो घिसाव है उसको रोकने के लिए भी इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और इंजन की सफाई भी बनी रहती है। कंपन को कम करने के लिए, इंजन के जो इंजन ऑयल के जो पार्ट हैं उनमें वाइब्रेशन होता है, तो उसको भी कम करने के लिए इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। गैस के लीकेज के रोकने के लिए इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है लुब्रिकेशन के उद्देश्य। लेकिन हम कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल करें, भाई ऑयल तो ऑयल है, तेल है, लेकिन तेल में कुछ निर्धारित गुण तो होने चाहिए। होने को तो आपका मिट्टी का तेल भी है, सरसों का तेल भी है, रिफाइंड तेल है, हेयर तेल सभी हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल गुण होने चाहिए। वो कौन कौन से गुण हैं? नंबर पहला है श्यानता, विस्कोसिटी। इंजन ऑयल में विस्कोसिटी होनी चाहिए, श्यानता होनी चाहिए, फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, हायर पॉइंट होना चाहिए, क्लाउड पॉइंट होना चाहिए, पोर पॉइंट और ऑयलनेस, चिकनापन होना चाहिए, करोजन या संक्षारण रोधी हो,
और इसमें कोई भी केमिकल या फिजिकल सब्सटेंस ना हो, एडहेसिव हो, फिल्म स्ट्रेंथ हो और स्पेसिफिक ग्रेविटी का होना चाहिए। मतलब यदि ये सभी गुण जिस इंजन ऑयल में है वो इंजन ऑयल बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये यदि गुण उसमें है नहीं तो पता चला कि इंजन ऑयल चलते चलते पता चला कि उसमें गैस बनी, प्रेशर बना, इंजन ऑयल फट गया, घर्षण के कारण आग लग गई, चिकनापन नहीं है तो मशीन के जो पार्ट है, इंजन के जो पार्ट है वो घिसना प्रारंभ हो गए। तो ये उसमें जो गुण, मतलब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के जो इंजन ऑयल है वो इंजन की लाइफ को बढ़ाने वाला होना चाहिए। लुब्रिकेशन डिपेंड करता है इंजन की कैपेबिलिटी पर। वैसे तो लुब्रिकेशन या स्नेहन के तौर पर ठोस, द्रव और सेमी सॉलिड आते हैं। ठोस में आते हैं आपके ग्रेफाइट, मॉलिब्डेनम या माइका। सेमी सॉलिड में आता है ग्रीस, और लिक्विड में आते हैं आपके मिनरल ऑयल, वनस्पति ऑयल और जंतु तेल। ये सब है तो तेल, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर। स्नेहन का वर्गीकरण स्नेहन के लिए तीन भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट आता है मिश्र स्नेहन प्रणाली, मतलब एक तकनीक है जिस तकनीक के द्वारा हम इंजन में फ्यूल को, मतलब जो लुब्रिकेशन है उसको भेजने का कार्य। मान लीजिए यहाँ पर इंजन चल रहा है, अब हमें तेल यहाँ पर चाहिए, तो क्या करेंगे कि वो इसको घसीटता होगा, मतलब आया अपने अंदर, इसने भरा तेल को, अपने ऊपर उड़ेलता होगा, फिर चला गया, फिर चल, मतलब ये टेक्निक है। या फिर क्या किया, ऊपर टंकी बनाई और टंकी से एक बाती लगाई, बत्ती छोटी सी, और वो क्या होगा, बूंद बूंद करके उस पर ऑयल को टपकाया जा रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो विधि है उन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखेंगे कि स्नेहन का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन, मिस स्नेहन विधि, गीली हौदी स्नेहन विधि और सूखी हौदी स्नेहन विधि, जिसमें आ जाता है मिश्र या मिस्ट चार्ज लुब्रिकेशन। इस प्रकार का स्नेहन टू स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। जो आपकी टू स्ट्रोक गाड़ियां होती हैं वहां पर मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में पेट्रोल एवं स्नेहन को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर टंकी में मिलाते हैं। ईंधन इंजन के सभी पार्टों से गुजरता है तथा स्नेहन अपना कार्य कर निकास गैसों के रूप में बाहर निकल जाता है। इसका इस्तेमाल कर किया जाता है छोटे इंजन के लिए। यह सस्ता और मितव्यय है, निकास आसान है, और इस प्रणाली से हानि क्या होती है, कार्बन की परत इंजन पार्ट पर चिपक जाती है, ये इसका डिमेरिट हो जाता है। स्पार्क प्लग खराब हो जाता है, क्योंकि वही तेल आप इस्तेमाल करते रहेंगे, स्पार्क प्लग खराब होता है, तेल खपत अधिक होती है, तेल की ज्यादा खपत होती है। फिर आ जाता है सूखी, मतलब गीली हौदी प्रणाली। गीली हौदी प्रणाली ये कहलाती है। गीली हौदी प्रणाली में क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड है। अब हमें क्या चाहिए, जो ये तेल है इस तेल को पंप के माध्यम से क्या करेंगे, इन पार्टों के ऊपर ले जाना है। यहाँ क्योंकि इसमें घर्षण हो रहा है तो इन पार्टों पर भेजना या इंजन के अदर पार्ट पर भेजना, तो ये कहलाता है गीली। मतलब यहाँ पे हौदी बना दी, इसमें तेल भर दिया, और ये तेल क्या करेगा, इंजन के अलग अलग पार्टों पर पंप के माध्यम से छोड़ा जाएगा, उसे कहते हैं गीली या बेड सम प्रणाली। इस प्रणाली में क्रैंक केस के नीचे एक तेल पैन लगा होता है, ये हो गया क्रैंक केस, द क्रैंक शाफ्ट हो गई। इस क्रैंक केस के नीचे आ गई है हौदी। क्रैंक केस के नीचे एक हौदी होती है। हौदी एक तेल को भंडार करने का या रिजर्वायर करने का साधन होती है, जिसमें तेल को भरा जाता है, जो तेल पंप की सहायता से इंजन के विभिन्न पार्टों में जाता है। मतलब ये पंप क्या करेगा, सीधा वहां पर तेल डालता रहेगा और फिर
फिर धीरे धीरे वही तेल जो है वो धीरे धीरे इसमें टपकता रहेगा, फिर ये इसको डालेगा। तो ये एज ए प्रोसेस चलता रहता है। इस विधि को कहते हैं गीली हौदी प्रणाली, जैसे कहते हैं बेड सम्प लुब्रिकेशन। इस प्रणाली में तीन वर्गों में बांटा गया है। एक आता है स्प्लैश, स्प्लैश दाब स्नेहन प्रणाली और दाब स्नेहन प्रणाली। इस प्रणाली का इस्तेमाल छोटे इंजन के लिए किया जाता है। इसमें क्रैंक के निचले हिस्से में तेल ड्रम बने होते हैं और इसे तेल का स्तर इतना बनाए रखा जाता है जिससे कनेक्टिंग रॉड का ऊपरी मतलब बिग पॉइंट निकटतम आ जाए। मतलब क्या है, कनेक्टिंग रॉड इसमें डूबती हुई फिर ऊपर चलेगी, फिर मतलब ये समझ लो कि वो नीचे जो तेल भरा हुआ है तो जो कनेक्टिंग रॉड का जो हिस्सा है वो इसमें डिप करता हुआ फिर अपने ऊपर उसने तेल उड़ेला और फिर चला गया। फिर मतलब कुल मिला के वो उसमें डूबी रहे, जितनी बार भी गुजरेगी वो तेल को टच करते हुए फिर गुजर जाएगी। तो ये प्रणाली। फिर आ जाती है संशोधित प्रणाली, प्रेशर प्रणाली। तो डिफरेंट टाइप की ये प्रणाली हैं जिनका इस्तेमाल इंजन की लाइफ को बढ़ाने में किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये ऑयल इंजन ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम प्रणाली आपको इजीली समझ में आ गई होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी आशा के साथ थैंक यू।